राइट गाइस, सो टुडे वी स्टार्ट ऑन विद अ न्यू टॉपिक. ठीक है, देखो इस टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट. राइट, सो ये टॉपिक का नाम सुन के कुछ आइडिया लगेगा कि हम लोग कुछ इंश्योरेंस रिलेटेड आज पढ़ाई करने वाले हैं. ठीक है, लेट्स फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द टॉपिक एंड देन वील ट्राई टू हैव जनरल बैकग्राउंड. एक बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे पहले इसका कि ये होता क्या है, देन वील मूव ऑन टू द अकाउंटिंग पार्ट ऑफ इट. ठीक है, तो इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, देखो अकाउंटिंग करने के लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि जिस चीज की आप अकाउंटिंग करते हो उसको आप कॉन्सेप्चुअली समझो. राइट, बिकॉज देर इज एन ऑपरेशन और देर इज एन अंडरस्टैंडिंग पार्ट अंडरलाइंग द अकाउंटिंग एंट्रीज विच यू आर मेकिंग. तो अगर ऑपरेशनल पार्ट किसी चीज का हमें समझ में आ जाए ना, तो बेस्ड ऑन आवर कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन आवर नॉलेज, उसकी अकाउंटिंग करनी बहुत ईजी हो जाती है. अभी देखो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे समझो. यहाँ पे देखो चैप्टर का नाम क्या है, इंश्योरेंस क्लेम. राइट, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट. राइट, सो देखो इंश्योरेंस क्या होता है. यू हैव हर्ड दिस वर्ड, आई बिलीव सबने ये वर्ड सुना होगा कि इंश्योरेंस क्या होता है. देखो इंश्योरेंस क्या होता है ना, इंश्योरेंस दो टाइप का होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा जनरल इंश्योरेंस. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या, लाइफ इंश्योरेंस मतलब जब किसी आदमी, राइट, व्हेन इंश्योरेंस इज टेकन ऑन अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज नोन एज लाइफ इंश्योरेंस. मतलब अगर किसी आदमी के लाइफ के अगेंस्ट इंश्योरेंस लिया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस. जनरल इंश्योरेंस मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी कोई भी और तरह का इंश्योरेंस किया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस. तो ये तो हमने समझा कि दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, बट इंश्योरेंस का मतलब क्या एंड वाई डू वी रिक्वायर इंश्योरेंस. तो देखो इंश्योरेंस का मतलब क्या ना, इन अ वेज इंश्योरेंस इज एन एक्ट वे बाय क्या होता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी का लॉस कॉम्पनसेट करने की कोशिश करती है. वन पार्टी अंडरटेक्स टू कॉम्पनसेट द लॉस विच इज सफर्ड बाय अनदर पार्टी. तो इंश्योरेंस हम लोग रिस्क कवर करने के लिए लेते हैं. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस रिस्क कवर करने के लिए लेते हैं कि अगर हमें किसी चीज का डर है, लॉस का या किसी चीज का, तो उस डर को कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं. सो आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल कि लेट्स से आई टेक अ लाइफ इंश्योरेंस ऑन माय लाइफ. अब ये लाइफ इंश्योरेंस मैं क्यों लूंगा, मे बी आई फियर दैट बेस्ड ऑन द अनसर्टेनिटी विच इज देयर, अगर कल को मेरे को कुछ होता है, तो इफ आई एम द अर्निंग मेंबर ऑफ माई फैमिली तो हाउ विल माई फैमिली सर्वाइव. तो क्या होगा, मैं एक इंश्योरेंस लेकर रखूंगा, पीरियोडिक पेमेंट्स करता रहूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम. और अगर इस पॉलिसी के दौरान, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है इंश्योरेंस का उसको बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, उस पीरियड के दौरान अगर कोई कंटिंजेंसी होती है तो मेरी फैमिली को हो सकता है पैसे मिलेंगे. सेकेंड, समझ लो मेरे गोडाउन में बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मेरे को डर है कि अगर ये स्टॉक आग की वजह से, लेट्स से बिकॉज ऑफ अ फायर, इफ इट गेट्स डिस्ट्रॉयड, राइट, तब क्या होगा, बहुत बड़ा लॉस मेरे को हो जाएगा. तो मेरे को डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए. तो इस लॉस को कवर अप करने के लिए हो सकता है मैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी लूं जो कि इस रिस्क और इस लॉस को कवर करता हो, कॉम्पनसेट करता हो. तो नॉर्मली इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस हम लेते हैं टू कवर अ पर्टिकुलर रिस्क. इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस में दो पार्टी होती है, एक पार्टी को हम लोग बोलते हैं इंश्योरर, दूसरी पार्टी को हम लोग बोलते हैं इंश्योर्ड. ठीक है, अगर आप लॉ तो पढ़ रहे हो, अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपने पढ़ा होगा, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. इंश्योरेंस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
इंडेमनिटी. इंडेमनिटी मतलब क्या? इंडेमनिटी का मतलब टू मेक गुड लॉस सफर्ड बाय सम अदर पर्सन, वे वन पार्टी अंडरटेक्स टू मेक गुड द लॉस सफर्ड बाय अनदर पर्सन. तो देखो इंश्योरेंस में भी तो यही हो रहा है ना, दो पार्टीज है मैंने बोला, एक इंश्योरर दूसरा इंश्योर. इंश्योरर कौन होता है? जो एक प्रीमियम कंसिडरेशन के बदले अंडरटेकिंग लेता है कि वो आपके लॉस को कवर करेगा, कॉम्पनसेट करेगा. अगर आपको लॉस सफर होता है देन ही विल मेक गुड दी लॉस, राइट. सो ये भी एक तरह का इंडेमनिटी का ही कॉन्ट्रैक्ट है, वे बाई वन पार्टी अंडरटेक्स टू मेक गुड दी लॉस सफर बाय अनदर पार्टी. आई क्लियर अबाउट इट? सो अभी देखो इंश्योरेंस बिजनेस किस तरह से वर्क करता है. जैसे हमने बोला कि दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस दूसरा जनरल. अभी क्या करेंगे, एक एक करके पहले लाइफ इंश्योरेंस को समझेंगे फिर जनरल इंश्योरेंस को समझेंगे. मे बी हमारे स्कोप में इतना सारा नहीं है इस चैप्टर में, लाइफ इंश्योरेंस स्कोप में नहीं है, बट अगर नॉलेज होगी तो वी विल बी एबल टू वर्क बेटर ऑन इट, राइट. सो यहां पे देखो इंश्योरेंस टाइप ऑफ इंश्योरेंस, तो देखो दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं. एक जैसे कि मैंने आपको बोला लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस, ठीक है. ये जो लाइफ इंश्योरेंस है ना, इसको अश्योरेंस पॉलिसी भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? अश्योरेंस. ठीक है, अभी अश्योरेंस क्यों बोला जाता है वो भी हम समझेंगे, राइट. सो देखो पहले हम लोग समझते हैं कि ये लाइफ इंश्योरेंस किस तरह से वर्क करता है, और लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको हम लोग अश्योरेंस भी बोलते हैं. तो अभी देखो इसमें क्या होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट देयर इज एन एजेंसी, देयर इज कंपनी नोन एज LICI, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर इन इंडिया, ठीक है. एंड लेट्स से देयर इज मिस्टर ए, राइट, देयर इज मिस्टर ए. अभी मिस्टर ए को डर है कि अगर कोई कंटिंजेंसी होती है और अगर मेरी मौत हो जाती है, इफ आई डाई हाउ विल माई फैमिली गेट सपोर्टेड. तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है ना कि आपको कुछ छोटे छोटे अमाउंट के पीरियोडिक, मतलब बेस्ड ऑन दी वैल्यू ऑफ पॉलिसी यू वांट टू टेक, आपको कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है. आप एवरी ईयर ये इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो और एक पॉलिसी पीरियड होता है, उस पॉलिसी पीरियड तक आपको इंश्योरेंस पे करते रहना है. अगर उस पॉलिसी पीरियड के दौरान अगर डेथ होती है तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है आपके नॉमिनी को आपके पॉलिसी का अमाउंट देगी. मतलब आई गिव यू सिंपल एग्जांपल, लेट्स से आई हैव टेकन अ पॉलिसी फॉर 1 करोड़ रुपीज ऑन माय लाइफ, राइट. तो अभी देखो क्या होगा, मे बी आई नीड टू पे लेट्स से अ प्रीमियम ऑफ 2 लाख रुपीज एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 20 years. तो ये जो 20 years क्या है, इट्स अ पॉलिसी पीरियड के भाई 20 साल की पॉलिसी है, 20 साल तक मेरे को 2-2 लाख रुपया पे करते रहना है और 20 साल के एंड में मेरे को 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी अमाउंट मिलेगा अगर 20 साल के अंडर डेथ नहीं होती है तो. और अगर 20 साल के बीच में ही कहीं पे डेथ हो जाती है तो पूरा 1 करोड़ रुपया मेरे नॉमिनी को मिल जाएगा. तो देखो इससे क्या होता है ना कि एक अश्योरेंस क्या मिलता है कि एक तो आपकी रेगुलर सेविंग्स हो रही है, बट समझो किसी ने 2-2 लाख करके 5 साल तक दिया, कितना पैसा गया उसका 10 लाख, और 5 साल के बाद अगर डेथ होती है तो नॉमिनी को कितना मिलेगा 1 करोड़. तो सब्सटैंशियल पैसा मिल जाएगा नॉमिनी को जिससे वो अपनी लाइफ को कैरी ऑन कर सकता है, राइट. एंड अगर बीच में डेथ नहीं होती है तो दैट पर्सन इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट दिस फैमिली एंड एट द मैच्योरिटी टर्म उसको ये 1 करोड़ रुपया मिलेगा. तो देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करो, पैसा तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, या तो डेथ होने पर मिलेगा या तो पॉलिसी मैच्योर होने पर मिलेगा, बट जो आप एस प्रीमियम पे कर रहे हो ये इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए, क्योंकि कोई कंपनी फ्री में तो आपको ये अंडरटेकिंग नहीं देगी ना, वो आपसे पैसे लेगी, उस पैसे को क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस
प्रीमियम। तो ये जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो वो अक्यूमुलेट होता जाएगा और आपको एक साथ मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा आपका पॉलिसी का, या अगर बीच में डेथ हो जाती है तो जब डेथ होगी तब आपके नॉमिनी को पॉलिसी का पैसा मिलेगा। तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ पॉलिसी ऑफ अश्योरेंस, बिकॉज हियर देयर इज गारंटी दैट द मैच्योरिटी प्रोसीड्स विल बी रिसीव्ड आइदर ऑन डेथ और ऑन मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, राइट। तो यहां पे देखो हमने देखा दो पार्टी है, LIC और मिस्टर ए। अभी मिस्टर ए को एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है अपने खुद के लाइफ पे, तो ये क्या करेंगे, ये कुछ प्रीमियम पीरियोडिक प्रीमियम LIC को पे करेंगे, एंड इन कंसिडरेशन ऑफ दिस प्रीमियम LIC अंडरटेक करेगा कि भाई अगर डेथ होती है विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो मैच्योरिटी प्रोसीड्स उस पॉलिसी का पॉलिसी अमाउंट हम आपके रिलेटिव या नॉमिनी को देंगे, और अगर डेथ नहीं होती है तो पॉलिसी टर्म खत्म होने पे जो पॉलिसी का अमाउंट है वो हम आपको देंगे। आई क्लियर अबाउट हाउ लाइफ इंश्योरेंस वुड वर्क? तो इन दिस केस LICI विल बी नोन एज द इंश्योरर एंड मिस्टर ए विल बी नोन एज इंश्योर, ठीक है। अभी ये ना देखो यहां पे हम लोग लॉसेस स्टॉक की बात कर रहे हैं, मतलब लाइफ पॉलिसी की बात नहीं कर रहे, बट दिस सम एडिशनल नॉलेज वी आर गैदरिंग अबाउट द इंश्योरेंस, हाउ डज द इंश्योरेंस थिंग वर्क। तो यहां पे क्या होगा, ए विल हैव टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट। मिस्टर ए विल पे इंश्योरेंस प्रीमियम टू LIC, राइट। मिस्टर ए विल पे इंश्योरेंस प्रीमियम टू LIC, और ये जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके बदले LIC क्या करेगा, इट विल कवर सम रिस्क, इट विल गिव अ रिस्क कवर। क्या रिस्क कवर देंगे कि भाई अगर डेथ होगी पॉलिसी पीरियड के बीच में तो पॉलिसी अमाउंट हम आपके नॉमिनी को पे करेंगे, राइट। सो यहां पे क्या होगा, इंश्योरर पेज द पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट मतलब जितने पैसे की आपने पॉलिसी ली है, ज्यादा अमाउंट की पॉलिसी तो ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम, कम अमाउंट की पॉलिसी तो कम इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट। इंश्योरर पेज द पॉलिसी अमाउंट टू द नॉमिनी या फिर हम लोग फैमिली मेंबर भी लिख सकते हैं, of the insured in case of death during policy term, right, in case of death during the policy term, or in case the insured does not die during the policy term, policy term मतलब policy period, जितने समय की policy ले गई है, the insured gets the maturity proceeds of the policy. Are you clear about this? So, देखो यहाँ पे life insurance, अभी मैं वापस एक बार brief out कर देता हूँ आपको. Life insurance क्या होता है? Insurance on the life of a human being, right? दो पार्टीज होती है, इंश्योरर एंड इंश्योर,
राइट, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी। किस नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इसको बोला जाता है। इसमें देखो क्या होगा, जो इंश्योर्ड है वो एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा, इसके बदले इंश्योरर उसको रिस्क कवर प्रोवाइड करेगा। अभी जो लाइफ इंश्योरेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको पॉलिसी अमाउंट मिलना ही मिलना है। अगर पॉलिसी के टेन्योर के बीच में, पॉलिसी के टर्म के बीच में डेथ होती है तो मैच्योरिटी प्रोसीड्स फैमिली मेंबर्स को मिलती है, और अगर पॉलिसी पीरियड में डेथ नहीं होती है तो टर्म ओवर होने के बाद मैच्योरिटी प्रोसीड्स इंश्योर्ड को मिलती है। सो दिस इज हाउ अ लाइफ इंश्योरेंस वुड रफली वर्क। अभी देखो हम क्या देखेंगे, अभी हम जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे। अभी जो जनरल इंश्योरेंस है, इस जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस को तीन सेगमेंट में लार्जली डिवाइड किया गया है, ठीक है। सो देखो, जनरल इंश्योरेंस की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है उसको हम तीन सेगमेंट में लार्जली डिस्कस करके वी कैन डिस्कस, ठीक है। देखो, जनरल इंश्योरेंस में तीन तरह की पॉलिसीज यूजली क्लासिफाई की जाती है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं फायर इंश्योरेंस, दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं मरीन इंश्योरेंस, थर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं मिसेलिनियस, राइट। सो इंश्योरेंस के केस में, जनरल इंश्योरेंस के केस में ये तीन सेगमेंट में हम लोग पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं। एक हो गया फायर इंश्योरेंस, दूसरा हो गया मरीन इंश्योरेंस, तीसरा हो गया मिसेलिनियस इंश्योरेंस। मतलब ये जो मेडिक्लेम की पॉलिसी है, बगलरी पॉलिसी है, आप फोन खरीदते हो तो अभी बहुत बार आप इंश्योरेंस लेते हो, अभी रेलवे ट्रैवल में भी इंश्योरेंस शुरू हो गया है, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ, रेलवे ट्रैवल वाला तो बेसिकली लाइफ के अंदर आ जाएगा, बट अगर आप समझ लो मेडिक्लेम लेते हो, या फिर आप फोन के अगेंस्ट इंश्योरेंस लेते हो, या बगलरी इंश्योरेंस लेते हो, या जब गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी को इंश्योर कराते हैं, वो सारे कौन से अंदर आएंगे, मिसेलिनियस। स्पेसिफिकली फायर के अगेंस्ट लिया आपने तो फायर इंश्योरेंस, अगर आपने लेट्स से सी कार्गो, मतलब सी वेसल्स कार्गो उसके अगेंस्ट लिया, मतलब वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज से लिया, तो मरीन इंश्योरेंस आएगा, और उसको छोड़ के और कोई भी इंश्योरेंस होगा तो वो जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में माना जाएगा, ठीक है। एंड इस स्पेस में भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, GIC जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस में ये तीन सेगमेंट में पॉलिसीज डिवाइडेड, एंड मिसेलिनियस इज अ ह्यूज सी, बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस इसके अंदर आते हैं। अभी देखो हम क्या करेंगे ना, हमारे टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो हम कवर करेंगे ना, वो हम कवर करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, राइट, लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर। तो ये जो फायर वाला एग्जाम्पल लेकर ही मैं आपको जनरल इंश्योरेंस एक बार समझाता हूँ। आर यू क्लियर अबाउट दिस? सो देखो, अगेन इस टाइप में भी देयर विल बी टू पार्टीज हु विल बी इन्वॉल्व, वन हु विल बी द इंश्योरर जो कि रिस्क कवर प्रोवाइड करेगा, सेकेंड द इंश्योर्ड जिसको कुछ डर है और वो अपने रिस्क को कवर करवाना चाहता है। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे भी देर आर टू पार्टीज, लेट्स से GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एंड लेट्स से देयर इज अनदर कंपनी बाय द नेम ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। ये दो पार्टीज है, GIC इज द इंश्योरर एंड एक्स लिमिटेड इज द इंश्योर, राइट, एक्स लिमिटेड इज द इंश्योर। टू पार्टीज इन्वॉल्व, GIC व्हिच इज द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो के लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी सारे टाइप के इंश्योरेंस को कवर अप करते हैं, एंड देयर इज अनदर कंपनी, और इसमें बहुत सारी कंपनी, ICICI लोम्बार्ड मैक्स, ये वो, देयर लॉट ऑफ कंपनीज विच बजाज, देयर लॉट ऑफ कंपनीज विच कवर अप दिस बिजनेस, ठीक है। तो अभी देखो GIC एग्जांपल लिया, ये कौन है हमारा इंश्योरर, एंड एक्स लिमिटेड है हमारा इंश्योर। अभी एक्स लिमिटेड की क्या प्रॉब्लम है, देखो एक्स लिमिटेड के पास
हैज स्टॉक वर्थ रुपीज 5 करोड़। अभी ये जो एक्स लिमिटेड है इसके पास 5 करोड़ का स्टॉक अपने वेयरहाउस में पड़ा हुआ है, तो इसको क्या डर है कि भाई मेरे वेयरहाउस में अगर आग लग जाती है, इफ देयर इज अ फायर इन माय वेयरहाउस, तो मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब ये सोच रहा है कि मैं इस अपने रिस्क को कैसे मिटिगेट करूं, कैसे, हाउ डू आई ओवरकम दिस रिस्क। तब उन्होंने देखा कि भाई बहुत सारे इंश्योरर्स अवेलेबल है जो अंडरटेकिंग लेते हैं कि अगर फायर होने के वजह से आपके गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो जितने वैल्यू के गुड्स डिस्ट्रॉय होंगे वो लॉस आपको वो लोग कॉम्पनसेट कर देंगे, दे विल मेक गुड दैट लॉस विच यू सफर। मतलब जितने कॉस्ट के, जितने वैल्यू के गुड्स डिस्ट्रॉय होंगे उतना पैसा वो आपको देंगे। बट ये जो इंश्योरेंस है फ्री में थोड़ी ना सर्विस करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, दे टेक एन इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम यू। अभी मैंने एक नॉर्मल इंश्योरेंस बिजनेस का लॉजिक भी बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो आप यहाँ पे इतने लोग हो, समझो आप सब कोई बिजनेसमैन हो, ठीक है, आप सबके वेयरहाउस में स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली सबको ही ये डर रहेगा कि भाई हमारा स्टॉक अगर डिस्ट्रॉय होता है तो हमें नुकसान हो जाएगा, तो किसी तरह हम इस अपने नुकसान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। तो आपको पता चले कि हाँ भाई एक इंश्योरेंस का मोड है जहां पे आप एक प्रीमियम पे करके अपने गुड्स को इंश्योर कर सकते हो। तो अभी देखो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ना, ये गुड्स के वैल्यू का बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन होता है, राइट, दी गुड्स के वैल्यू का बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन होता है। मे बी अगर आपको पता होगा, अगर आप बाइक या गाड़ी के कुछ खरीदते हो, तो लेट्स से समझो आपने 50,000 की बाइक खरीदी, तो आपको 2,500 रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता, तो आपको पुसाता है ना, ठीक है भाई 50,000 की बाइक अगर चोरी हो गई तो 2,500 इंश्योरेंस पे करूंगा तो मेरे को पूरे पैसे मिलेंगे। तो ऐसे ही समझ लो ये 5 करोड़ का स्टॉक है, इसको इंश्योर कराने के लिए मे बी कंपनी को 10 लाख रुपए का फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है। पुसाएगा कि नहीं पुसाएगा, ऑब्वियसली भाई अगर लॉस हुआ तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो मे बी इट इज रेडी टू शेल आउट सर्टन परसेंटेज, राइट, हो सकता है 10,000 से 10 लाख से कम भी इंश्योरेंस का अमाउंट हो। तो अभी एक बात समझो, आप लोग सबके पास 5-5 करोड़ का स्टॉक है, ठीक है, अभी इनफिनाइट नंबर ऑफ बिजनेस हाउसेस इन इंडिया, सबको डर है कि हमारा स्टॉक डिस्ट्रॉय होगा, किसी के पास 5 करोड़ का होगा, किसी के पास 50 करोड़ का होगा, किसी के पास 5 लाख का होगा, किसी के पास 50, तो सबको क्या चाहेंगे कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले। तो देखो एज एन इंश्योरेंस कंपनी, समझ लो मैं GIC हूं, मेरे को आप सबसे इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा मिल रहा है, राइट, और ये जो इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है ना, जनरल इंश्योरेंस की, ये एक पर्टिकुलर पीरियड की पॉलिसी होती है, यूजली इसका पीरियड होता है 1 साल, हर 1 साल के बाद नई पॉलिसी बनानी पड़ती है, मतलब पुरानी पॉलिसी को रिन्यू कराना पड़ता है। तो समझो आज आप सबने मेरे को इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो मेरे पास तो एक पूल ऑफ मनी आ गया। अभी 1 साल तक इस पूल ऑफ मनी के अगेंस्ट मैंने अंडरटेकिंग ली है कि अगर आपके गुड्स डिस्ट्रॉय होंगे बाय फायर तो मैं आपको कॉम्पनसेट करूंगा। क्या लगता है आप सबके गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाने वाले हैं पूरे के पूरे बाय फायर? नो, प्रोबेबिलिटी इज कि आप में से समझ लो 1-2-3 जन के गुड्स डिस्ट्रॉय होंगे, बाकी किसी के गुड्स डिस्ट्रॉय होंगे नहीं, बट सारे ही लोग इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं। क्यों पे कर रहे हैं? टू मिटिगेट अ रिस्क, बिकॉज यू आर रेडी टू शेल आउट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मनी टू गेट सेटिस्फैक्शन और मे बी मिटिगेट योर रिस्क अगर कोई बड़ा लॉस हमें ना हो जाए। आई क्लियर अबाउट दिस? सो इंश्योरेंस किस प्रमाइस पे चलेगा? इंश्योरर को तो बहुत सारा प्रीमियम मिलेगा, बट उसको हो सकता है कि क्लेम कुछ थोड़े लोगों से आए, तो मे बी दैट बिजनेस इज वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। आई क्लियर अबाउट दिस? सो यहाँ पे देखो एक्स लिमिटेड के पास 5 करोड़ का स्टॉक है, इसको डर है कि भाई मेरा स्टॉक फायर से डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए ये क्या करेगा, एक्स लिमिटेड विल बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या करेंगे? विल बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम GIC। अभी कुछ खरीदने के लिए तो पैसे देने पड़ेंगे ना, तो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए जो पैसे देने पड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट। सो यहां पे एक्स लिमिटेड पेस
एंड इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीआईसी टू कवर दिस रिस्क. इस प्रीमियम के बदले जीआईसी क्या करेगा, इस प्रीमियम के बदले जीआईसी क्या करेगा, जीआईसी अंडरटेक्स टू मेक गुड द लॉस विच एक्स लिमिटेड मे सफर. राइट, जी आई सी अंडरटेक्स टू मेक गुड द लॉस विच एक्स लिमिटेड मे सफर ड्यू टू लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर. कि भाई जी आई सी बोलता है कि आपने जो मेरे को इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है वो कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, अलग अलग अमाउंट ऑफ प्रीमियम विल बी पेबल. सो जो आपने मेरे को प्रीमियम दिया है उस प्रीमियम के कंसिडरेशन में अगर आपका गुड्स डिस्ट्रॉय होता है तो उस गुड्स का कॉस्ट, मतलब जितने वैल्यू का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ उतना का हम आपको पैसा देंगे, विल कॉम्पनसेट विल मेक गुड योर लॉस. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है इन द लॉ और इन द लीगल टर्म, दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. राइट, दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वी कॉल इट एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ indemnity whereby one party मतलब GIC undertakes to make good loss suffered by another party मतलब X limited in consideration of an insurance premium. Are you clear about it? तो अभी ये जो contract है ये contract को क्या बोलेंगे, contract of indemnity. और ये जो contract है, जैसे हमें पता है ना कि अगर partners के बीच में कोई contract बनता है, एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड. तो यहां पे जब कोई एक इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी. राइट, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी. राइट, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी. ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी. बाय मेकिंग दिस इंश्योरेंस पॉलिसी देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर कि कोई भी लॉस होगा टू द एक्सटेंट ऑफ पॉलिसी अमाउंट इंश्योरर विल पे टू द इंश्योर्ड. मतलब समझ लो 5 करोड़ के गुड्स हैं. ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, फायर होता है इनके यहाँ और 50 लाख रुपए के गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो जीआईसी इनको कितना पे करेगा, 5 करोड़ के 50 लाख, 50 लाख. जितने के गुड्स डिस्ट्रॉय होंगे उतना ही क्लेम पे होगा. यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी बिकॉज देखो हमने वर्ड क्या यूज किया, टू मेक गुड द लॉस, मतलब जितने का एक्चुअल लॉस आप सफर करोगे उतने का ही आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा. अभी समझ लो कि एक्स लिमिटेड के गोडाउन में है गुड्स 10 करोड़ के, कितने के, 10 करोड़ के, बट उन्होंने पॉलिसी ली है 5 करोड़ की और समझ लो 8 करोड़ के गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते तो क्या इंश्योरेंस कंपनी 8 करोड़ पे कर देगी, नहीं. अभी 5 करोड़ या उससे कम पे करेगी, वो थोड़ा आगे हम जाएंगे तब हम समझेंगे. आई क्लियर अबाउट दिस? तो जितने की पॉलिसी ली है मैक्सिमम उतने का कॉम्पनसेशन आपको मिलेगा. और ये जो पॉलिसी होती है ना, ये पॉलिसी नॉर्मली 1 साल की पॉलिसी होती है. 1 साल के बाद आपको इस पॉलिसी को रिन्यू कराना पड़ता है. अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी 1 साल के बाद और 1 साल के बाद अगर आपको लॉस होता है बाय फायर तब इंश्योरर आपको कुछ पैसा नहीं देगा. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पॉलिसी को टाइम पे रिन्यू कराओ. अभी एक बात समझो,
अगर समझो कि एक्स लिमिटेड का गुज डिस्ट्रॉय हुआ तो वो क्या करेगा, वो जीआईसी के पास जाएगा, जीआईसी कौन है, हमारा इंश्योरर, और जीआईसी को बोलेगा देखो मैंने आपको प्रीमियम पे किया था, अभी मेरा गुज डिस्ट्रॉय हो गया है, अब आप मेरे को इसका कॉम्पनसेशन दो, प्लीज मेक गुड माई लॉस। इस एक्ट को क्या बोलते हैं, इस एक्ट को बोलते हैं क्लेम। व्हाट डू यू कॉल इट, क्लेम। व्हेन यू आस्क फॉर समथिंग विच यू आर एंटाइटल्ड टू, व्हाट डू यू कॉल इट, क्लेम। तो इसको क्या बोलेंगे, इंश्योरेंस क्लेम। मतलब अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, और जिस इवेंट के लिए, जिस रिस्क को कवर करने के लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, अगर वो इवेंट अकर होती है और उस इवेंट से आपको लॉस होता है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करोगे, उस क्लेम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस क्लेम। आर यू क्लियर अबाउट इट, उस क्लेम को हम लोग क्या बोलेंगे, इंश्योरेंस क्लेम। तो इसका मतलब क्या कि इफ एक्स लिमिटेड सफर्स ए लॉस by destruction of goods by fire, it will make an insurance claim on GIC, right? It will make an insurance claim on GIC to recover its loss, right? It will make an insurance claim on GIC to recover its loss. Are you clear about it? तो अभी देखो हम लोगों को basic insurance किस तरह से work करता है वो पता चल गया ना। जो insurance premium हम pay करते हैं वो हमारे लिए खर्चा और इंश्योरर के लिए वो इनकम। आई यू क्लियर अबाउट दिस? सो वी हैव अंडरस्टूड कि लाइफ इंश्योरेंस किस तरह से वर्क करता है और जनरल इंश्योरेंस भी किस तरह से वर्क करता है। अभी देखो, नाउ वी अगेन गो टू दी हेडर, क्या लिखा है, इंश्योरेंस क्लेम। राइट, टॉपिक का नाम क्या है, इंश्योरेंस क्लेम। तो अभी मेरे को ये वर्ड तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, इंश्योरेंस क्लेम का मतलब क्या, कि हमने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी और जो रिस्क को इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है वो इवेंट अकर हो गई और इसके वजह से हमें कोई लॉस हुआ, इसलिए हम इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं। इंश्योरेंस क्लेम का मतलब क्या, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगना, इंश्योरेंस कंपनी से लॉस का पैसा मांगना विल बी नोन एज इंश्योरेंस क्लेम। आई यू क्लियर अबाउट दिस? सो देखो यहां पे इंश्योरेंस क्लेम, बट किस बात का इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक। किस बात का, लॉस ऑफ स्टॉक का इंश्योरेंस क्लेम की हम बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में देखो हम क्या डिस्कस करेंगे, अगर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है समझो, तो भी तो लॉस होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं क्या, नहीं बात कर रहे। अगर हमारा फोन चोरी हो जाता है तभी भी लॉस होगा, हो सकता है इंश्योर्ड है, तो उसकी बात कर रहे हैं क्या, नहीं। यहां पे खाली एक ही इवेंट की बात कर रहे हैं, क्या, लॉस ऑफ स्टॉक। मतलब स्टॉक का लॉस होने के वजह से जो लॉस होगा उसके इंश्योरेंस क्लेम की बात कर रहे हैं, और साथ में हम यहां पे लॉस ऑफ प्रॉफिट की भी बात कर रहे हैं। Now, after understanding the ambit of insurance and type of insurance or insurance किस तरह से work करता है, now we move on to our chapter के जो हमें बताएगा कि हमें insurance claim करना है, क्यों करना है, because of loss of stock and because of loss of profit। तो अभी इसके बारे में हम बात करते हैं, और इस टॉपिक का बेसिक कवरेज है, ये loss of stock किस वजह से होता है, फायर के वजह से ये loss of stock होता है। तो अभी देखो, इस टॉपिक नॉट नेसेसरी, कम का भी ले सकता है,
ज्यादा का तो यूजली नहीं लेगा ना, क्योंकि पॉकेट से पैसा भी तो प्रीमियम का उतना ज्यादा जाएगा ना। मेरे पास स्टॉक है 5 लाख का, मैं 1 करोड़ का अगर इंश्योरेंस लेता हूं तो वो लोग प्रीमियम भी तो 1 करोड़ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे ना, राइट? वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसने पूछा। इसने बोला कि सर स्टॉक तो फ्लो कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा चेंज होते रहता है, एवरी डे इट्स अ करंट एसेट, एवरी डे इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो भाई हम इंश्योरेंस इसका किस तरह से कराए? बिल एवरी डे हम कुछ माल खरीदते हैं, एवरी डे हम कुछ माल बेचते हैं। तो नॉर्मली कंपनी क्या करती है ना, अपना एवरेज स्टॉक लेवल डिटरमाइन करती है एंड उस एवरेज स्टॉक लेवल के बेसिस पे इंश्योरेंस लेती है। इस टाइप की कंपनी को थोड़ी रिस्क टेकिंग कंपनी बोलेंगे। बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव कंपनी होगी तो वो अपना मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक निकालेगी और उसके बेसिस पे हो सकता है इंश्योरेंस ले ले। तो द कंपनी वुड नो के ऑन एन एवरेज इसके पास किस रेंज में स्टॉक होता है एंड बेस्ड ऑन इट्स एपेटाइट टू टेक रिस्क वो उतना इंश्योर। बिकॉज देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि फायर हुई तो थोड़ी ना पूरे का पूरा माल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कुछ डिस्ट्रॉय होगा कुछ डिस्ट्रॉय नहीं भी होगा। सो बेस्ड ऑन दी एपेटाइट, बेस्ड ऑन दी कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन दी परसेप्शन मैनेजमेंट अपना कितना इंश्योरेंस लेना है डिसाइड करते। बट जनरली माना जाता है कि आपको अंडर इंश्योरेंस कराना नहीं चाहिए, जितना आपके पास स्टॉक है उसको पूरा का पूरा इंश्योर करना चाहिए। अभी हम आगे पढ़ेंगे ना तो इंश्योरेंस पॉलिसी में एक क्लॉज होता है जिसको बोलते हैं एवरेज क्लॉज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, देन वील डिस्कस मोर अबाउट अंडर ओवर इंश्योरेंस। ठीक है, तो देखो अभी हमें इस चैप्टर में क्या करना है, इंश्योरेंस क्लेम करना है। क्या करना है? इंश्योरेंस। अभी बता देता हूं ये चैप्टर में कोई अकाउंटिंग एंट्रीज ज्यादा नहीं करनी है। ये चैप्टर में सबसे बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस हमारा है वो है टू कैलक्यूलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम। क्या करना है? टू कैलक्यूलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है इस चैप्टर में, दैट वी नीड टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम दैट वी नीड टू मेक। तो देखो इंश्योरेंस क्लेम हमें दो चीज का करना है, इंश्योरेंस क्लेम हमें करना है फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, राइट? सो वी नीड टू हैव क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक and we need to learn about claim for loss of profit। ठीक है, अभी देखो थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट वापस में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको ऑपरेशनल एक्सपेक्ट पता है तो अकाउंटिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। तो अभी देखो यहाँ पे वील हैव आवर ऑब्जेक्टिव एज लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर। ठीक है, अभी एक मेरे को बात बताओ, फायर किस दिन होगी क्या आपको पता है? नहीं। क्या 1 अप्रैल को ही होएगी? क्या 31 मार्च को ही होएगी? किसी भी दिन किसी भी समय ये फायर हो सकती है। और ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि फायर आपके खाली स्टॉक को डिस्ट्रॉय करेगी। अगर आपका ऑफिस और आपका गोडाउन दोनों साथ में है, स्टॉक तो आपके ऑफिस में भी रहता है, अगर आपके ऑफिस में आग लगती है तो आपका ऑफिस भी जलेगा, आपका स्टॉक भी जलेगा, आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी जलेंगे। और क्या आपको लगता है कि रोज आप स्टॉक काउंट करते हो, एवरी डे आप स्टॉक काउंट करते हो क्या? तो आग तो किसी भी दिन लग गई, अब उस दिन पे मेरे पास कितना स्टॉक है क्या आपको पता रहेगा? नहीं पता रहेगा ना, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। समझो मे बी लेट्स से के कोई स्टोर है, रोज लाखों रुपए का माल खरीदता है, लाखों रुपए का माल बेचता है, राइट? एंड वहां पे अगर समझो आग लगती है तो उसके हो सकता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी डिस्ट्रॉय हो जाए। उसने स्टॉक काउंट किया है लेट्स से 6 महीने पहले, तो आज तो उसके पास स्टॉक कितना है वो भी उसको पता नहीं है। और ये आपको क्या बोल रहे हैं, क्लेम करो। अरे यार स्टॉक का वैल्यू पता होगा तभी क्लेम करेंगे ना, इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी ना इतनी पागल है कि हम जो बोलेंगे वो हमें दे देंगे। वो तो हमें बोलेंगे ना प्रूफ करो, अगर बोल रहे हो कि आपका 1 करोड़ का स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है तो हमें प्रूफ करो कि पहले तो 1 करोड़ का स्टॉक था आपके पास, उसके बिना थोड़ी ना वो हमें क्लेम देंगे, राइट? तो अभी देखो ये थोड़े प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हमें समझने पड़ेंगे। बिकॉज स्टॉक काउंट रोज रोज होता नहीं है, फायर लगती है तो हो सकता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी हमारे डिस्ट्रॉय हो जाए,
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड्स विच हैव बीन लॉस्ट बाय फायर. आई क्लियर अबाउट इट? सो लॉस ऑफ स्टॉक में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम ये डिवाइस करेंगे. तो समझो मैं आपको बोलता हूं, आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल सिनेरियो. ठीक है, लेट्स से मिड ऑफ द ईयर किसी भी दिन आपके स्टोर में फायर हो जाती है. आपने आप स्टॉक काउंट हमेशा 31 मार्च को ही करते हो, उसको छोड़ के कभी भी स्टॉक काउंट करते नहीं. तो जिस दिन फायर हुई उस दिन तो स्टॉक आपका जला. अब कितने का स्टॉक जला वो तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा ना. और बताओगे कैसे? जब ये पता होगा कि कितने का स्टॉक था. तो अभी पता है क्या कितने का स्टॉक था? काउंट तो किया नहीं है, बट फिर भी इंश्योरेंस क्लेम तो फाइल करना पड़ेगा. तो लॉजिकली कोई मेरे को सोच के बता सकता है कि ये किस तरह से हम कर सकते हैं? लेट्स से इट हैपेंस इन योर बिजनेस, हाउ विल यू डू इट? वेरी गुड. व्हाट शी इज सेइंग इज कि मेरे को मेरा परचेजेस पता होगा, मेरे को मेरा सेल्स पता होगा. ये दो चीज तो मेरे को मिल सकती है बिकॉज मैं बहुत सारे रिटर्न्स भी फाइल करता हूँ, एक्साइज रिटर्न, वैट रिटर्न, अभी जीएसटी रिटर्न. तो वो सब में मेरे सेल्स परचेजेस के नंबर्स होते हैं. जब लास्ट ईयर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा होगा, वो क्लोजिंग स्टॉक मेरे इस साल का ओपनिंग स्टॉक. तो अगर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, मेरे पास परचेजेस है, मेरे पास सेल्स भी है, राइट? अभी निकालना क्या है मेरे को? निकालना है मेरे को स्टॉक. तो हमें पता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू माय क्लोजिंग स्टॉक. तो COGS के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमारा GP परसेंटेज पता होना चाहिए. और देखो कोई भी नॉर्मल बिजनेस होगा ना तो उसका GP परसेंटेज डिटरमाइन होगा बिकॉज ओवर द पीरियड कोई भी एंटरप्राइज एक कंसिस्टेंट GP मार्जिन पे काम करती है. तो हो सकता है हमें हमारा लास्ट ईयर का GP परसेंटेज पता होगा एंड मे बी सर्टन फ्यू परसेंटेज ईयर एंड देयर इफ आई मेक एन एडजस्टमेंट आई कैन गेट द GP परसेंटेज फॉर द करंट ईयर. बट स्टॉक लेजर इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग देन, और मे बी इफ स्टॉक लेजर गेट्स डिस्ट्रॉयड देन वॉट, राइट? तो हमें इनडायरेक्टली कंप्यूटेशन करके स्टॉक का वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो अभी देखो मैं आपको स्टेप्स लिखाता हूं, आपको लॉजिकली समझ में आएगा ये डिस्कशन के बाद कि किस तरह से हम लॉस ऑफ स्टॉक का क्वांटिटी निकालेंगे. क्योंकि हमें क्या चाहिए? आवर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. व्हाट डू वी नीड टू डिटरमाइन? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर? सो अभी जो हमारा डिस्कशन होगा ना वो किसके बारे में होगा? लॉस ऑफ स्टॉक. लॉस ऑफ स्टॉक को खत्म करने के बाद हम लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात करेंगे. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं खाली आपको दे देता हूं लॉस ऑफ प्रॉफिट का कि इसके साथ हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये लॉस ऑफ प्रॉफिट एक्चुअली होता क्या है. समझो कि एक स्टोर है विच इज इनटू मे बी रिटेल बिजनेस और उसमें फायर लगती है तो क्या होगा? स्टॉक डिस्ट्रॉय होगा. स्टॉक के साथ फर्नीचर, फिटिंग्स, लाइट इक्विपमेंट सब कुछ डिस्ट्रॉय होगा. तो क्या वो नेक्स्ट डे से ही क्या अपना बिजनेस शुरू कर देगा? नहीं. क्या करना पड़ेगा उसको? जगह को रिपेयर करानी पड़ेगी, रेनोवेट कराना पड़ेगा, नया फर्नीचर लगाना पड़ेगा, राइट? तब तक क्या उसका नॉर्मल ऑपरेशन डिस्टर्ब्ड रहेगा? ऑब्वियसली डिस्टर्ब्ड रहेगा, राइट? सो मे बी इस स्टोर को 3 महीने लग गए फर्नीचर वापस बनाने में, रिनोवेट कराने में और नॉर्मल सी में वापस आने में. तो ये 3 महीने में जो हम प्रॉफिट कमा सकते थे वो आप कमाएंगे क्या? नहीं. सो विल देयर बी अ लॉस ऑफ प्रॉफिट? यस. तो ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना, ये हम कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की बात कर रहे हैं. कौन से लॉस की? कॉन्सिक्वेंस. जो कि हमारे यहां फायर हुआ, फायर के वजह से हमारा स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ, स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ बट हमारी बाकी और फैसिलिटीज भी डिस्ट्रॉय हुई जिसके वजह से हमारे नॉर्मल ऑपरेशन डिस्ट्रॉय हुए. तो जितना सेल हम नॉर्मली कर सकते थे उतना सेल हम नहीं करेंगे. तो अगर हम सेल नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा प्रॉफिट
नहीं अर्न कर सकेंगे, तो ये जो प्रॉफिट नहीं हम अर्न कर सकेंगे उसके अगेंस्ट भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। और इस पीरियड के दौरान, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ फायर टिल योर नॉर्मल ऑपरेशंस आर रिकमेंस, जो भी आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा उसका भी आपको कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देगी, अगर आपने लॉस ऑफ स्टॉक के साथ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी भी लेकर रखी है। आर यू क्लियर अबाउट इट? सो अभी ये जनरल मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, पर जब लॉस ऑफ प्रॉफिट करेंगे तब इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके प्रॉपरली डील करेंगे। बस खाली यहां पे एक चीज लिख लो, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। सो क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। आई क्लियर अबाउट दिस? एक कॉन्सेप्ट ब्रीफ बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया, अभी ये बैकग्राउंड के बाद जब हम करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट तब हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी देखो लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया, कि फायर कभी भी हो सकती है और हो सकता है कि हमें उस दिन का स्टॉक पता ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनडायरेक्ट अप्रोच से स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट? तो यहां पे हमारा क्या अप्रोच रहेगा, लेट अस टॉक अबाउट द अप्रोच इन केस ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में कर रहे हैं, इन रिलेशन टू लॉस ऑफ स्टॉक। सो यहां पे देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप वन, सबसे पहले देखो जैसे इसने बोला कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक रहेगा, लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाएगा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम करंट ईयर ओपनिंग स्टॉक, वी विल हैव इंफॉर्मेशन अबाउट आवर परचेजेस एंड वी विल हैव इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सेल्स। तो हम क्या करेंगे, सेल्स में जीपी परसेंटेज लगा के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, राइट? एंड देन ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक हमें बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। आई क्लियर अबाउट इट? सो दिस इज द अप्रोच वी नीड टू फॉलो, राइट? सो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, जीपी परसेंटेज। हमें जीपी परसेंटेज पता है तो हमारा काम होगा। तो वी शुड नो आवर ग्रॉस प्रॉफिट percentage for the previous year. हमें पिछले साल का जीपी परसेंटेज पता होना चाहिए, बिकॉज अभी तो करंट ईयर में तो कभी भी फायर हो सकती है, करंट ईयर का तो पीएल बना नहीं है, तो करंट ईयर का जीपी परसेंटेज नहीं मिलेगा, बट हमें पिछले साल का जीपी परसेंटेज पता होना चाहिए, राइट? सो देखो दो सिचुएशन होगी, इफ GP percentage is given in the question, right? क्या करना है, use that GP percent. अगर दे ही दिया है तो use कर लो, कोई tension की बात नहीं है फिर, ठीक है? If GP percentage is not given in the question, मतलब question में हमें GP percentage दिया नहीं है, तभी क्या करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, we need to determine our GP percentage. तो हमें क्या करना है, इसका क्या solution होगा, इसका solution होगा make ट्रेडिंग अकाउंट फॉर प्रीवियस ईयर, राइट? मेक ट्रेडिंग अकाउंट फॉर प्रीवियस ईयर एंड कंप्यूट द जीपी परसेंटेज फॉर प्रीवियस ईयर एज GP percentage is equal to gross profit by sales
into 100, राइट, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100. मतलब अगर क्वेश्चन में पिछले साल का जीपी परसेंटेज दे दिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं दिया है तो आपको पिछले साल का वो लोग इंफॉर्मेशन देंगे इन रिलेशन टू ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, व्हाटएवर. तब आपको क्या करना है, तब आपको पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और उस ट्रेडिंग अकाउंट के हेल्प से आपको जीपी परसेंटेज पिछले साल का कंप्यूट कर लेना है. आर यू एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट? तो फर्स्ट स्टेप क्या है, यू डिटरमाइन योर जीपी परसेंटेज. फिर देखो, बहुत बार ये लोग बोलते हैं कि पिछले साल से इस बार के प्राइजेस बढ़ गए हैं, सेलिंग प्राइस बढ़ गया है, कि पिछले साल से इस बार प्राइस, सेलिंग प्राइस तो सेम रहा है बट हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गया है. तो क्या होगा, हमारा जीपी परसेंटेज पिछले साल का और इस साल का चेंज हो जाएगा. सो इफ दे गिव यू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द जीपी परसेंटेज, तो आपको वो एडजस्टमेंट जीपी परसेंटेज में करना है. तो यहां पे लिख लेते हैं एक बार, इफ द क्वेश्चन रिक्वायर्स एडजस्टमेंट टू द जीपी परसेंटेज ऑफ द प्रीवियस ईयर, क्या करोगे, एदर टू द इंस्ट्रक्शन, राइट. तो जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो आप इंस्ट्रक्शन फॉलो. दे मे टेल यू दैट जीपी परसेंटेज इन द करंट ईयर इज 2% एक्स्ट्रा देन द प्रीवियस ईयर और 1% लोअर देन द प्रीवियस ईयर. तो उस तरह से जीपी परसेंटेज को हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है. फिर स्टेप टू, अभी पिछले साल का जीपी परसेंटेज तो मिल गया, अभी हमें क्या चाहिए, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक. जिस दिन फायर हुआ उस दिन पे कितना क्लोजिंग स्टॉक था. तो देखो ये कैसे करेंगे, हमें पिछले साल का जीपी परसेंटेज पता है, जिस साल में फायर हुई उस साल का ओपनिंग स्टॉक पता है, उस साल का परचेजेस पता है और उस साल का सेल्स पता है. तभी हम क्या करेंगे, हम एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ फायर. उसमें ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, परचेजेस लिखेंगे, उसमें हम हमारा सेल्स लिखेंगे. अभी दो आइटम मिसिंग हो गई, कौन कौन सी, क्लोजिंग स्टॉक एंड ग्रॉस प्रॉफिट. बट अगर जीपी परसेंटेज मिल गया है तो सेल्स इनटू जीपी परसेंटेज वी विल गेट आवर ग्रॉस प्रॉफिट. तब क्या बचेगा, खाली एक फिगर मिसिंग बचेगा, कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक. तो वो बैलेंसिंग फिगर हमें मिल जाएगा. आर यू क्लियर अबाउट इट? तो स्टेप टू में क्या करना है हम लोगों को, लिखो प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. सी व्हाई डू वी कॉल दिस मेमोरेंडम, बिकॉज एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट तो ईयर एंड पे हम बनाते हैं ना. ये तो खाली हम क्यों बना रहे हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं बना रहे, ये अलग से एक पीस ऑफ पेपर में बना रहे हैं, सो दैट वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. Right, what do we need to do? Prepare a memorandum trading account from the first day of accounting year till the date of फायर, राइट. हमें क्या करना है, हमें एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ फायर. एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? इसके बाद
तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ना, तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास अपना ओपनिंग स्टॉक रहेगा, हमारा परचेज रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, सेल्स रहेगा। हम क्या करेंगे, सेल्स इनटू जीपी एज पर स्टेप वन विल गिव अस द ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक विल बी कंप्यूटेड एज द बैलेंसिंग फिगर। आर यू क्लियर अबाउट दिस? तो एक मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना के ही दिखा देता हूँ, सो दैट जब आप रिवाइज करो तो फटाफट रिविजन हो जाए, राइट? सो वी मेक अ मेमोरेंडम, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या क्या आएगा, वी हैव टू ओपनिंग स्टॉक, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। टू purchases given in the question, two direct expenses, पता है ना direct expenses trading account में जाते हैं, so this is may be given in the question, ठीक है। by sales maybe it is again given in the question, ठीक है। अभी दो वेरिएबल बचे, एक जीपी दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, सो यहां पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। देखो वेगली आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, मे बी वंस वी डू द एंटायर सम पूरा पिक्चर क्लियर होगा, बट हम क्या कर रहे हैं, ये मेमोरेंडम अकाउंट कब से बनाए, फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ फायर, मतलब ये फर्स्ट डे से लेकर फायर तक का परचेज, ये अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ फायर का सेल्स एटसेट्रा, राइट। अभी जीपी परसेंटेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इस जीपी परसेंटेज को, सेल्स इंटू जीपी परसेंटेज, राइट, सेल्स इंटू जीपी परसेंटेज। और ये जीपी परसेंटेज हमें कहां से मिला, स्टेप वन, ये जीपी परसेंटेज हमें कहां से मिला, फ्रॉम स्टेप वन, जो जीपी परसेंटेज निकाला था वो हमने ले लिया। सो फिर यहां पे लिखेंगे हम बाय क्लोजिंग, राइट, देन वील राइट बाय क्लोजिंग स्टॉक, by closing stock this will be balancing figure, right, this will be the balancing figure, because हम total करेंगे पहले debit side का, फिर उसमें से credit side का sales minus कर देंगे, तो हमें closing stock balancing figure मिल जाएगा। Are you clear about this? राइट, आर यू क्लियर टिल हियर? तो अभी देखो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, वील से क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर वुड बी कंप्यूटेड एज ए balancing figure in the
मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ पायर वुड बी कॉम्प्यूटेड एज अ बैलेंसिंग फिगर इन द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। अभी क्या मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, कि जिस दिन फायर हुई उस दिन हमारे पास कितने वैल्यू का क्लोजिंग स्टॉक था। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमारा क्लेम सबमिट करना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल में हमारा स्टॉक कितने का डिस्ट्रॉय हुआ। तो फिर स्टेप थ्री, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, मे बी इट मे बी द क्लेम अमाउंट और इट मे बी द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। बिकॉज अभी मैंने बोला ना कि दो तरह के पॉलिसीज होते हैं, वन इज विद एवरेज क्लॉज एंड वन इज विदाउट एवरेज क्लॉज। जब एवरेज क्लॉज नहीं होगा तब यहां से क्लेम अमाउंट मिल जाएगा, जब एवरेज क्लॉज होगा तब और एक एडिशनल स्टेप हम लोगों को करना पड़ेगा, राइट। सो यहां पे देखो ये कैसे निकालेंगे, व्हील से वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये हमें कहां से मिला ये वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टेप टू मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से मिला हमें, लेस वैल्यू ऑफ स्टॉक नॉट डिस्ट्रॉयड इफ एनी। मतलब हो सकता है कि आपका सारा स्टॉक डिस्ट्रॉय ना हुआ हो, कुछ पोर्शन में आग लगी, कुछ पोर्शन डिस्ट्रॉय हुआ, कुछ पोर्शन डिस्ट्रॉय नहीं, वो क्वेश्चन आपको बताएगा, ठीक है। लेस सैल्वेज वैल्यू रियलाइज्ड इफ एनी। सेल्वेज वैल्यू का मतलब क्या, कि भाई डिस्ट्रॉय होने के बाद भी हो सकता है एज अ स्क्रैप आपका माल बिक जाए, तो वो स्क्रैप बेच के आपको कितना रिकवर हुआ वो भी आप माइनस कर दोगे। बिकॉज बात समझो, समझो मेरा 1,00,000 रुपए का स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ, बट डिस्ट्रॉयड कंडीशन में भी एज अ स्क्रैप जब मैंने बेचा तो मेरे को 5,000 रुपया उस स्टॉक का मिला, तो मेरा एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 95। 1,00,000 का स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ, उसको एज कबाड़ी कचरा बेच के मेरे को 5,000 रुपया रियलाइज हो गया, तो मेरा एक्चुअल लॉस कितना, 95। तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कितना देगा, 95। वो लाख रुपए नहीं देगा, वो बोलेगा ये भाई तूने तो बेच के 5,000 रुपया रिकवर कर लिया, व्हाट इज योर एक्चुअल लॉस, 95। तो वील पे यू 95 ओनली। सो दिस इज आवर अमाउंट ऑफ loss of stock, right? This is the amount of our loss of stock, right? Are you clear about this? इसके बाद देखो next step, तो अभी तक हम लोगों ने स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री एंड स्टेप फोर, अभी ये है कैलकुलेट द क्लेम अमाउंट, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस देखो मैंने यहां पे लिखा है ना क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक,
एवरेज क्लॉज जब नहीं अप्लाई होगा तब यूजली यही अमाउंट आएगा, बट अगर एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट द क्लेम अमाउंट, द क्लेम अमाउंट विल डिपेंड अपॉन, राइट, द क्लेम अमाउंट विल डिपेंड अपॉन the nature of the policy, किसके ऊपर depend करेगा, nature of the policy, and by the nature of the policy can be without average clause and it will be with average clause, right? It will be without average clause or with average clause. Are you clear about it? Abhi average clause kya hai wo main aapko discuss karta hu. Abhi ek kaam karo, yahan pe na just claim for hata do, just say loss of stock. We'll make it simple. Theek hai, next step mein aayenge hi. Right? Just say loss of stock. Kitne ka loss hua stock ka wo hame pata chala. Abhi यहाँ पे देखो with average clause and without average clause. देखो ये average clause क्या होता है, अभी as I know she was asking कि भाई अगर stock हमारा change होते रहता है तो हम किस तरह से insurance policy ले. Insurance company usually जो policy issue करती है वो करती है with average clause, मतलब insurance company बोलती है don't under insurance, डोंट डू एन अंडर इंश्योरेंस. अगर आप अंडर इंश्योरेंस करोगे तो हम आपका क्लेम अमाउंट भी प्रपोर्शनेटली कम कर देंगे. क्या? आपका क्लेम अमाउंट भी प्रपोर्शनेटली कम कर देंगे. तो देखो मैं आपको बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनो. मेरे गोडाउन में स्टॉक था 10,000 का. कितने का था? 10,000. कितने का स्टॉक था? 10,000. मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी 8,000 की. कितने की ली थी? 8,000. प्लीज रिमेंबर दीज फैक्ट्स, अंडरस्टैंड. व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इन माय वेयरहाउस? 10,000. मैंने पॉलिसी कितने की ली थी? 8,000. डिड आई डू एन अंडर इंश्योरेंस? यस. मेरा पूरा 10,000 का स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाता है. कितने का डिस्ट्रॉय होता है? 10,000. मे बी लेट्स से आई विल टेल यू 10,000 का नहीं, 5,000 का स्टॉक डिस्ट्रॉय होता है. लेट्स कीप इट इवन मोर सिंपल. पॉलिसी कितने की है? 8,000. स्टॉक कितने का है? 10,000. एक्चुअल में स्टॉक डिस्ट्रॉय कितना हुआ? 5,000. तो देखो अगर पॉलिसी विदाउट एवरेज क्लॉज है, राइट, अगर पॉलिसी विदाउट एवरेज क्लॉज है तो हम क्या देखेंगे? What is the policy value? 8,000. What is the loss of stock? 5,000. Insurance claim 5,000. कितने का? Insurance claim 5,000. Logical, अभी तक तो हम यही समझते थे ना. अभी with average clause की बात करते. पहले situation में क्या देखा? Actual stock था 10,000 का on the date of fire. Policy कितने की थी? 8,000 की. Stock कितने का destroy हुआ? 5,000. इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलेगा? 5,000. आई क्लियर अबाउट दिस? विथ एवरेज क्लॉज इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी बेटा कितने का स्टॉक था बताओ, तो हम बोलेंगे कि भाई हमारे पास 10,000 का स्टॉक था ऑन द डेट ऑफ फायर. तो बोलेगी भाई अब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की थी वो बताओ, तो हम बोलेंगे सर हमने 8,000 रुपए की पॉलिसी ली थी. तो बोलेंगे अच्छा बेटा अंडर इंश्योरेंस करते हो, 10,000 का स्टॉक रखते हो और पॉलिसी 8,000 की लेते हो, हमें प्रीमियम कम पे करने की कोशिश करते हो.
फिर वो बोलेंगे कि आपने अपने स्टॉक को कितने परसेंट कवर किया, 80%। कितने परसेंट कवर किया, 80। स्टॉक था कितने का, 10,000 का, बट आपने इंश्योरेंस कितने का लिया, 8,000। तो कितने परसेंट आपने अपने स्टॉक कवर किया, 80। आपका गुड्स डिस्ट्रॉय कितने का हुआ, 5,000। आपकी पॉलिसी अमाउंट ज्यादा है, कितने की है, 8,000। और बट गुड्स डिस्ट्रॉय कितने का हुआ, 5। लॉजिकली आपको क्लेम कितना मिलना चाहिए, 5,000। बट जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी में एवरेज क्लॉज होगा, वो बोलते हैं जिस प्रपोर्शन से या जितने प्रपोर्शन से आप अंडर इंश्योरेंस करते हो, उस प्रपोर्शन से हम आपका क्लेम भी कम कर देंगे। तो इस केस में वो हमें कितना पे करेंगे, बोलेंगे गुड्स कितना है डिस्ट्रॉय हुआ, 5,000 का 80% ही हम आपको पे करेंगे, बिकॉज आपने 20% से अंडर इंश्योरेंस कराया है। एब्सोल्युटली क्लियर? नहीं, इंश्योरेंस मींस यू गेट मेक गुड योर लॉस। तो इंश्योरेंस में ज्यादा का तो क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं। मतलब लॉजिक बोलता है ज्यादा का इंश्योरेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बट अगर कम का इंश्योरेंस है और आपके पॉलिसी में एवरेज क्लॉज है, तो आपका क्लेम और प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया जाएगा टू द एक्सटेंड ऑफ अंडर इंश्योरेंस। But they will not issue without. So for you it is preferable, na? For insurer what is preferable? With, na? So अभी इसको document करें, समझ में आया ना logically? अभी sum करेंगे तो और clear होगा। But तो यहाँ पे देखो, without average clause में claim amount will be, claim amount will be lower of, right? Claim amount will be, claim amount will be lower of, ध्यान रखना क्या है, lower of, actual loss suffered or policy value, right? It will be lower of actual loss suffered or policy value. Absolutely clear about it? मतलब मैंने policy ली है 8,000 की, loss हुआ 5,000, कितना claim मिलेगा, 5,000, because lower of actual loss suffered or policy value. मैंने पॉलिसी ली है 8,000 की, लॉस हो गया 10,000 का, कितना क्लेम मिलेगा, पॉलिसी 8,000 की, एक्चुअल लॉस 10,000 का, कितना क्लेम मिलेगा, 8, बिकॉज एक्चुअल लॉस सफर 10, पॉलिसी वैल्यू 8, लोअर ऑफ द टू 8,000, सो आवर क्लेम विल बी 8,000। आर यू क्लियर अबाउट दिस? सो देखो यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल भी करके लिख लेते हैं ना, लाइफ और इजी हो जाएगी। समझो हमने एक पॉलिसी ली है 10,00,000 की, ठीक है, केस वन एक्चुअल लॉस ₹7,00,000, केस टू एक्चुअल लॉस रुपीस कितना करे, 15,00,000 कर देते हैं, चलो ठीक है। अभी दोनों केस में क्या क्लेम अमाउंट होगा आप मेरे को बताओ। केस वन में, केस वन में कौन सा होगा, द एक्चुअल, बिकॉज पॉलिसी वैल्यू एंड एक्चुअल लॉस विच एवर इज लोअर, सो यहां पे क्या होगा, 7,00,000। समझ में आ रहा है ना सबको, एब्सोल्यूटली। केस टू, पॉलिसी वैल्यू कितनी,
10 लाख, एक्चुअल लॉस कितना 15 लाख, लोअर ऑफ द टू 10 लाख। Absolutely clear about it. Now we'll move towards average loss. ठीक है, समझ में आ गया without average loss. Now we move to a policy with this with average loss. ये जो average loss होता है ना, ये क्या करता है ना, it discourages मतलब ये क्या बोलना चाहते हैं ये लोग कि भाई अगर एवरेज क्लॉज अप्लाई हो रहा है, मतलब दे आर टेलिंग यू डोंट अंडर इंश्योरेंस, जितने का स्टॉक हो एटलीस्ट उतने की तो पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए, अगर उससे कम की पॉलिसी है आपके पास तब हम आपका क्लेम को प्रोपोर्शनेटली कम कर देंगे। आई क्लियर अबाउट दिस? सो देखो यहां पे क्या होगा, एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल, राइट, एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल व्हेन, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल व्हेन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, राइट, value of stock on the date of fire is greater than, right, is greater than the policy value, right, the value of stock on the date of fire is greater than the policy value. और ये value of stock on the date of fire हमें कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा बताओ तो? Very good. As per राइट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कहां से मिलेगा, एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। आई क्लियर अबाउट दिस? तो अब क्या करें भाई, अगर हो गया ऐसा, चलो गलती हो गई कि वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज ग्रेटर देन द पॉलिसी अमाउंट, मतलब जिस दिन फायर हुआ उस दिन 10,000 का हमारा स्टॉक था बट हमने पॉलिसी 8,000 रुपए की ही ली थी, तब क्या होना चाहिए? सो इफ एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल, राइट, इफ एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल claim amount if average clause is applicable claim amount is equal to loss of stock into policy value divided by
वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, राइट? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? सो देखो, हर एक एलिमेंट हमने कहां से निकाला. ये जो लॉस ऑफ स्टॉक का अमाउंट है, ये हमें कहां से मिला? लॉस ऑफ स्टॉक का अमाउंट कहां से मिला? जाग जाओ बच्चों, स्टेप थ्री, राइट? लॉस ऑफ स्टॉक कहां से निकाला? स्टेप थ्री. पॉलिसी अमाउंट कहां से मिलेगा? क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, पॉलिसी तो नहीं भेजेंगे, ठीक है? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कहां से मिलेगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. देखो, मैंने यही बात है ना थोड़े सिंपल लैंग्वेज में बोली थी. क्या बोली थी मैंने? कि हमारा एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 5000 का. हमारा एक्चुअल स्टॉक कितना था डेट ऑफ फायर? 10000. एक्चुअल स्टॉक कितना था? 10000. हमने पॉलिसी कितने की ली? 8000. तो हमने क्या बोला? हमने 80% ही स्टॉक इंश्योर कराया है, तो इंश्योरेंस कंपनी 80% क्लेम ही देगी. तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोला. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रही है, बोल रहे लॉस ऑफ स्टॉक कितना? 5000 इंटू पॉलिसी वैल्यू कितना? 8000. पॉलिसी वैल्यू कितना? 8000. वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना? 10. तो 8 डिवाइडेड बाई 10 कितना आता है? 0.8. 0.8 इंटू 5000 विल गिव यू द वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक. आर यू क्लियर अबाउट इट? जब भी एवरेज पहले चेक करेंगे एवरेज स्टॉक एप्लीकेबल है कि नहीं. हर एक केस में एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है 10000 और हमने पॉलिसी ली है 20000 की, तब एवरेज क्लॉज देखने की जरूरत नहीं है. तब हम सीधा इसी तरह करेंगे, एक्चुअल लॉस सफर्ड और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर. जब भी एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा उस समय ही हम ये फॉर्मूला लगाएंगे. और ये एप्लीकेबल कब होगा? व्हेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर is greater than the policy amount. Absolutely clear about this? देखो, हम क्या करेंगे ना, इसके practical questions के तरफ कल चलेंगे. कल मतलब in our next class. अभी मैं एक बार वापस आपको पूरा run through कर देता हूँ, तो पूरा picture वापस clear हो जाए आपके mind में. Because आप लोग सब बड़े sincere हो, घर में जाके तुरंत revision चालू कर देते हो, मेरे को पता है, ठीक है? So, insurance claim for loss of stock and loss of प्रॉफिट. अभी हम बोल रहा हूं तो अब ज्यादा रेलेवेंट लग रहा है ना आफ्टर दिस सेशन. तो इसमें हमने पहले क्या समझा था कि दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा जनरल. लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हमने समझा, बट इस चैप्टर में लाइफ इंश्योरेंस से कुछ लेना देना नहीं है. जनरल इंश्योरेंस में हमने समझा कि भाई फायर, मरीन और मिसेलिनियस टाइप के इंश्योरेंस होते हैं. अभी हमारा कॉन्सेंट्रेशन किस पे रहेगा? फायर के ऊपर. और फायर से क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है? स्टॉक डिस्ट्रॉय हो रहा है. तो हमने एग्जांपल दिया कि भाई एक इंश्योरर है जो इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दूसरा इंश्योर्ड है जिसको इंश्योरेंस सर्विसेज चाहिए. इंश्योर्ड ने क्या किया? एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, उसके बदले इंश्योरर ने उसको रिस्क कवर प्रोवाइड किया. रिस्क कवर प्रोवाइड किया मतलब उसने अंडरटेकिंग ली कि अगर आपका स्टॉक इतने वैल्यू तक का फायर के वजह से डिस्ट्रॉय होता है, तो हम आपके लॉस को मेक गुड करेंगे, हम आपके लॉस को कॉम्पनसेट करेंगे. ये अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. कौन से कैटेगरी में पड़ता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के कैटेगरी में पड़ता है. और इस कॉन्ट्रैक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी. ये इंश्योरेंस पॉलिसी में पॉलिसी अमाउंट लिखा रहता है, इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है कि किस पीरियड के लिए ये इंश्योरेंस एप्लीकेबल है, किस इवेंट को आपने इंश्योर किया है, सारा कुछ इस इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा रहेगा. आई क्लियर अबाउट दिस? इसके बाद हमने देखा इंश्योरेंस क्लेम का मतलब क्या, कि जिस इवेंट के लिए हमने, जिस रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इंश्योरेंस लिया है, अगर वो कंटिंजेंट इवेंट अकर होती है और उससे अगर हमें लॉस होता है, तो जो पैसा हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगते हैं उसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम, राइट?
इसके बाद हमने देखा कि भाई इस चैप्टर में हमें दो तरह के इंश्योरेंस क्लेम की बात करनी है, एक इंश्योरेंस क्लेम ड्यू टू लॉस ऑफ स्टॉक, दूसरा इंश्योरेंस क्लेम ड्यू टू लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट का हमने क्या समझा कि ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी बोली जाती है। क्यों? क्योंकि जो के हमारे यहाँ फायर हुआ उस वजह से हमारा स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ, तो कुछ समय तक जो हम अपना नॉर्मल ऑपरेशंस कैरी ऑन नहीं कर सकेंगे उसके वजह से जो हमें प्रॉफिट का लॉस होगा वो कॉम्पनसेट इस पॉलिसी में होगा। अभी इसके बारे में हमने और कुछ नहीं जाना है, इसका वर्किंग कैलकुलेशन सब आगे इसके लॉस ऑफ स्टॉक करने के बाद करेंगे। फिर हमने देखा कि भाई लॉस ऑफ स्टॉक के केस में ये फायर जिसके वजह से हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है, स्टॉक डिस्ट्रॉय हो रहा है, कभी भी हो सकता है, किसी समय भी हो सकता है, हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, और हम हर समय हमारे पास हमारे स्टॉक की वैल्यू हर दिन की रहती नहीं है, तो हमें एक इनडायरेक्ट अप्रोच से ये लॉस ऑफ स्टॉक को निकालना पड़ेगा। तो ये देखो क्या इनडायरेक्ट अप्रोच हम इसमें यूज करते हैं। वी विल नो आवर ओपनिंग स्टॉक फॉर द ईयर, बिकॉज पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमने स्टॉक काउंट किया होगा तो वो डिटेल मिलेगी। वी विल नो द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज एंड गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ फायर। फिर हमें जीपी परसेंटेज हमारा पता होगा, बिकॉज लास्ट ईयर में ऑन एन एवरेज हमने कितना जीपी कमाया है हम निकाल सकते है। सो भाई हम करंट पीरियड के सेल को जीपी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मिल जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके भी बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। एक बार हमें स्टॉक की वैल्यू मिल गई ऑन द डेट ऑफ फायर, उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। क्या करेंगे, जो गुड्स डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है फायर से उसको हटाएंगे, और डिस्ट्रॉयड गुड्स को बेचकर एज अ स्क्रैप अगर हमें कुछ पैसा रिकवर हुआ है तो वो उसमें से हटाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। फिर हम देखेंगे कि भाई जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या नेचर है, इज इट विद एवरेज क्लॉज और विदाउट एवरेज क्लॉज। इफ इट इज विदाउट एवरेज क्लॉज तो सिंपल है, आप अपने पॉलिसी अमाउंट और अपने एक्चुअल लॉस को कंपेयर करो, दोनों में से जो कम होगा वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। फिर अगर इफ इट इज विद इंश्योरेंस एवरेज क्लॉज तो आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि वेदर दैट एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल और नॉट। इट विल बिकम एप्लीकेबल ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ पॉलिसी दैट यू हैव टेकन। मे बी आपके पास 1 करोड़ का स्टॉक था ऑन द डेट ऑफ फायर, बट आपने 70 लाख की ही पॉलिसी लेकर रखी थी, तब एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो गया तो आप क्लेम अमाउंट कैसे निकालोगे, यू विल से लॉस ऑफ स्टॉक जितने का स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ इनटू द पॉलिसी अमाउंट आपने जितने की पॉलिसी ली डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। मतलब जितने प्रपोर्शन से आपने अंडर इंश्योरेंस किया है उतने प्रपोर्शन से आपका क्लेम अमाउंट भी कम हो जाएगा। आई क्लियर अबाउट इट, जितने एक्सटेंट तक का अंडर इंश्योरेंस है उतने एक्सटेंट तक का आपका क्लेम अमाउंट भी कम हो जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। अभी नेक्स्ट क्लास में वी विल मूव ऑन विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक।